नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपेश माथुर। उत्तर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा परिपक्व दो राज्य हैं, जहां बाहुबलियों का सिक्का चलता है। असर यह है कि भले ही इमेज पॉलिशिंग के वक्त राजनीतिक पार्टियां इनकी छाया से भी दूर रहने की कोशिश करती हैं, दिखावा करती हूं, लेकिन जब मौसम चुनावी हो तो बड़े से बड़े धुरंधर इस दूरी को पाटने में देर नहीं लगाते। आज यूपी के दो ऐसे ही किंग मेकर की बात करेंगे, जिनका रसूख 3 सीटों पर हवा का रुख मोड़ देने का मादा रखता है, खासकर उस पूर्वांचल में जहां 2019 के चुनाव में जब बीजेपी को 2014 के मुकाबले 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। धनंजय सिंह और राजा भैया, जिनमें धनंजय सिंह ने तो जौनपुर से बीजेपी को खुले समर्थन का ऐलान कर दिया है, लेकिन कुंडा के राजा भैया की बेरुखी, वो भी 2 सीटों पर अब तक बीजेपी दूर नहीं कर पाई है। देखिए, क्या पूर्वांचल के केयर टेकर ही अब की बार बनेंगे किंगमेकर, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। अपने मन मर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को तस्कर जहां चाहे वहां मतदान करें। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बूढ़ी नहीं खुलने वाली इनकी। 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। लोकसभा चुनाव अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है, जो निर्णायक भी है और महत्वपूर्ण भी। जो लोग प्रधानमंत्री भी किस्तों में बनाना चाहते हैं, वो बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं क्या? मैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो कांग्रेस के शाहजादे को बुखार चढ़ जाता है। लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, एक होके आगे बढ़ रहे हैं, और ये 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। भारत का जागरूक मतदाता 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है, अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी कहानी है सुन सुन करके थक गए हैं, इनके जो घिसे पटे डायलॉग है उनको भी कोई नहीं सुनना चाहता, इसलिए इस बार परिवर्तन होना तय है। इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भी और देश में जीतने जा रहा है। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और अब 5वें चरण के लिए सियासी पारा हाई है। ऐसे में अगर देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की बात करें तो मोदी के मिशन 80 को यूपी में हासिल करने के लिए पूर्वांचल सबसे अहम, इसलिए अब चुनाव में पूर्वांचल पर खास तौर पर ध्यान देने के लिए उन सीटों पर बहुत ज्यादा फोकस किए जा रहे हैं जहां पिछली बार उसे हार का सामना करना पड़ा था, या फिर जहां इस बार कांटे की टक्कर है। यही वजह है कि आधे से ज्यादा चुनाव बीत जाने के बावजूद अभी तक जोड़ तोड़ की कोशिशें जारी है। पूर्वांचल में पिछले 2 चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2014 में बीजेपी की अगुवाई वाले 26 में से 25 सीटें जीती थी, जबकि 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को झटका लगा और इसे 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि तब अखिलेश और मायावती का एक साथ आना भी एक बड़ा फैक्टर था। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। देश का जागरूक मतदाता, कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं,
जो आज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाना चाहते हैं, इनको पूरी तरह चार चरणों में खारिज कर चुका है। आने वाले चरणों में भी जो शेष तीन चरण हैं, इनमें यूपी के अंदर भी और देश के अंदर भी जनता जनार्दन पूरी तरह खारिज करेगी। यूपी में गर्मी के तापमान के साथ सियासत का पारा भी बहुत हाई नजर आ रहा है। ऐसे में देश के सबसे बड़े सूबे में भले ही बाहुबलियों का बल थोड़ा कम हुआ, लेकिन जब मौसम चुनावी हो और एक एक वोट जीत हार में निर्णायक हो, तब ऐसे वक्त में बाहुबलियों के बल को भी आधार मिल जाता है। ऐसे में एक बार फिर दो बाहुबली बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल के दो बड़े नेताओं, या यूं कहें दो बड़े बाहुबली, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और धनंजय सिंह का रोल काफी अहम हो जाता है, और ऐसे में उनके फैसलों का रोल पूर्वांचल का गणित किसी भी पार्टी के लिए बना सकता है और किसी का बिगाड़ने के लिए भी काम कर सकता है, क्योंकि दोनों नेताओं के निर्णय का यूपी की तीन लोकसभा सीटों जौनपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पर असर पड़ सकता है। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। अपने मन मर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें, जैसा चाहे जीता हुआ है। कल के दिन अगर वो आपके काम ना आए तो हम तो है नहीं, हम काम करें। बीजेपी के लिए पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों में से एक सीट जौनपुर वाली भी है, जिसको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली। वैसे जौनपुर सीट इस चुनाव में शुरू से ही चर्चा में रही, क्योंकि बीएसपी ने यहां से बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को यहां से टिकट दिया था, फिर उनका टिकट काट कर मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से मायावती ने यह फैसला किया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन धनंजय सिंह ने साफ कह दिया था कि बीएसपी ने जानबूझकर टिकट काटा है। ऐसे में नाराज धनंजय सिंह ने खुलकर बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जनता के हित के लिए लड़िए, डरिए मत, और हम सब लोग जौनपुर में धनंजय सिंह का दबदबा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो जौनपुर से सांसद और विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उनके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले ऐलान के बाद एक बात साफ है कि विपक्ष को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वोट से पहले सपा और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन बीजेपी को चोट पहुंचाने में जुट गया। ये घटनाक्रम इस बात को बयां करता है कि कैसे वो जेल गए, कैसे चलते चुनाव के बीच जेल से छूटे हैं, जेल जाने के पहले क्या विचार उनके थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जेल से छूटने के बाद क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वो अलिप्तता रखते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में भी होकर भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ, तो इससे अनुमान लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस हद तक लोगों को प्रताड़ित किया है। माफियाओं को लेके, अपराध को लेके भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र वो सामने आ गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक खड़े होके कहते हैं कि उत्तर भारत के एक माफिया ने 10 करोड़ रुपए चंदा दिया चुनाव लड़ने के लिए, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी को एक माफिया वो समर्थन देते हैं। ये एक अलग विषय है कि धनंजय सिंह वो किसके साथ आज खड़े हुए हैं, वो राजनीति कर रहे हैं या कूटनीति कर रहे हैं, ये आने वाला समय जरूर बताएगा। बीजेपी ने जौनपुर से कृपा शंकर को टिकट दिया। ऐसे में धनंजय सिंह की पत्नी के चुनाव में उतरने से क्षत्रिय वोट बंटने के आसार नजर आ रहे, लिहाजा बीजेपी चाहती थी कि धनंजय सिंह अपनी पत्नी को चुनावी मैदान से हटा ले और बीजेपी का साथ दे। लेकिन अब टिकट कटने और धनंजय सिंह का समर्थन हासिल हो चुका है, ऐसे में कृपा शंकर एक तरफा जीत का दावा ठोक रहे हैं। लगभग 7 राउंड जो है हमारा कामकाजी बैठक हुई, बूथ अध्यक्षों के साथ हुई, सेक्टर के साथ हुई, मंडल के साथ हुई, ऐसे हुई, और फिर इसके बाद जगह जगह हमारा चौपाल शुरू हुआ। हम ये नहीं देख रहे थे कि कौन प्रत्याशी दूसरे दल का है, हम ये देख रहे थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 से अब तक लिए गए निर्णय और 2017 से लेकर के अब तक योगी आदित्यनाथ जी
तो क्या जिस तरह कृपा शंकर दावा कर रहे हैं, क्या जौनपुर में बीजेपी की राह उतनी आसान हो चुकी है? उसे समझने के लिए यहाँ का जातीय समीकरण भी आपको समझना होगा, क्योंकि क्या धनंजय सिंह के समर्थन के बाद राजपूत वोट एकमत होकर बीजेपी के खाते में जा चुका है? उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम राजा भैया का भी है। वही राजा भैया जिनके एक बयान ने दो सीटों का समीकरण पूरी तरह से बदल कर रख दिया, यानी पूर्वांचल में अब कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में जीत का समीकरण बनेगा या बिगड़ेगा कह नहीं सकते। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी से दूर रहकर भी राजा भैया सत्ताधारी दल के साथ चल रहे थे। दूर इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी जनसत्ता दल का बीजेपी से गठबंधन नहीं है। फिर भी पिछले 8 सालों से राजा भैया हर मुश्किल समय में बीजेपी के साथ खड़े रहे, लेकिन इस बार राजा भैया ने किसी भी पार्टी का समर्थन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि बीजेपी के नेता उनसे मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं, जिसमें कौशाम्बी से सांसद और बीजेपी से उम्मीदवार विनोद सोनकर भी थे, जिनके पहुंचने से पूर्वांचल का माहौल और गर्मा गया। यही नहीं, उनके साथ तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी नजर आए। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। अब इन तस्वीरों का मतलब क्या निकाला जाए? क्या राजा भैया को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही? और क्या सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि राजा भैया बीजेपी से दूर होकर सपा के पाले में चले गए? समर्थन देना ना देना ये व्यक्तिगत मसले हैं। कोई किसको समर्थन दे रहा है, किसका विरोध कर रहा है, ये तो निजी मामले हैं। परंतु ये जरूर है कि प्रदेश की महान जनता और देश की महान जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और अब की बार 400 पार का लक्ष्य जो संकल्प लिया है भाजपा ने, उसे पूरा करने के लिए प्रदेश की जनता संकल्पबद्ध है। दरअसल कौशाम्बी सीट पर राजा भैया इस वजह से चर्चा में हैं क्योंकि यहां उनका सियासी दखल भी है और बाहुबल का वर्चस्व भी है। ऐसे में राजनीति में किसकी किसको कब जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। शायद इसीलिए उनसे मिलने बीजेपी के नेता उन्हें मनाने उनके घर पहुंच रहे हैं, लेकिन राजा भैया का बयान तो कुछ और ही इशारा कर रहा। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर बड़ा सियासी घटनाक्रम घटित हुआ है। कौशाम्बी से बीजेपी के उम्मीदवार विनोद सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कुंडा के विधायक राजा भैया से मुलाकात की है। बेती राजमहल में नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत भी हुई है। कुछ दिन पहले राजा भैया ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और उस वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद राजा भैया बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान करेंगे, लेकिन फिलहाल राजा भैया ने किसी को भी समर्थन न देने का ऐलान कर दिया है। राजा भैया ने बीजेपी को मायूस कर दिया। राजा भैया के ना की वजह से बीजेपी को कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के लोकसभा सीट पर कड़ी टक्कर मिलेगी। बीजेपी इसी उम्मीद में थी कि अगर राजा भैया उनके साथ आ जाते हैं तो इन दो सीटों पर उनकी राह आसान तो होगी ही, साथ में बीजेपी को लेकर ठाकुरों के बीच में जो नाराजगी है काफी हद तक उससे भी पार पाया जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कौशाम्बी ऐसी लोकसभा सीट है जहां चुनाव में राजा भैया का फैक्टर काम करता है।